होली का पर्व बीत चुका है, लेकिन होली का उत्साह, उमंग और उल्लास अब तक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अब तमाम सामाजिक संस्थाओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच राजधानी लखनऊ में आज महाराणा प्रताप सेना द्वारा यूपी प्रेस क्लब हजरतगंज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोजक क्षेत्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोहन शर्मा, अवध प्रांत एवं क्षेत्रीय संरक्षक एडवोकेट राजकुमार सिंह चौहान, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार, राष्ट्रीय प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह एवं इंडिया 24x7 लाइव टीवी के प्रधान संपादक सुनील कुमार वर्मा समेत तमाम पदाधिकारी सैनिक मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथियों को पगड़ी पहनाकर एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सभी लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कहा कि होली आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का त्यौहार है। इस त्यौहार को बिना किसी भेदभाव के मनाना चाहिए। होली हमें देश की सभ्यता और संस्कृति का भी संदेश देता है। इस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे को न सिर्फ बधाई दी बल्कि आपसी सहयोग और सामंजस्य के साथ समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा करते रहने का संकल्प भी लिया। हमारे दिल्ली से आए राष्ट्रीय प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह जी, आदरणीय बहन जी, आदरणीय सुनील जी और हमारे बीच कार्यक्रम के आयोजक नरेंद्र मोहन शर्मा जी। प्रेस वार्ता इसलिए की गई है कि हम लोग 40 दिन जो है विधानसभा का जो है चुनाव प्रचार किए, उसमें प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और अब शपथ से पहले हम लोग संकल्प का समय मिलेगा। हम लोगों ने एक अनुष्ठान कराया था, उस अनुष्ठान में सफलता मिली। संकल्पित गदा लाए हैं, वो उनको देने का काम करेंगे और वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश ने उनका नाम बाबा बिल्डोजर रख दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि संकल्प बना दें, उपाध्यक्ष ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समाज के व्यक्ति को बना दें, क्योंकि मुझे लगता है कास्त समाज को भी जो है कहीं ना कहीं सरकार अनदेखा कर रही है, तो कास्त समाज को भी वैधता दी जाए और आग्रह महाराणा प्रताप सेना करती है। और कास्त, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय चार जातियों को मिलाकर सवर्ण आयोग का गठन सरकार करे, ऐसी हमारी प्रमुखता से मांग है। और जो सवर्ण आयोग का चेयरमैन बने, लेकिन उनके लिए आयोग है तो ऐसे में सवर्णों के लिए भी आयोग होना चाहिए और उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए और उसका निराकरण होना चाहिए। जनता का काम तो करते ही रहते हैं और मुख्यमंत्री जी सेना महाराणा प्रताप जैसे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पहले से ही लगी हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने महाराणा प्रताप जी की तरफ उस पर माननीय मुख्यमंत्री विचार करेंगे, उनको लागू करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे और समय समय पर वो जनहितकारी कार्यक्रम कार्य करते भी रहते हैं। मैं आशा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस पर विचार। आयोग आप जो कह रहे हैं